हेलो आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ऑसम गेम प्ले। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं मैं करें ना, तो यार गेम प्ले का सब बने रहेगा। और हाँ भाई, रियली रियली सॉरी, आज मेरा गला कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट टुडेज गेम प्ले। तो ओके दोस्त, सबसे पहले तो यार बैटल थॉन का जो इवेंट है वो एंड हो चुका है और हमने सारे रिवॉर्ड्स उसके क्लेम कर लिए हैं। जो मेन रिवॉर्ड है दैट इज +1 कॉइन ग्रीन कॉइन, तो उसे भी हमने क्लेम कर लिया है। तो चलो यार स्पिन करते हैं और देखते हैं हमें रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। वैसे यार मैं आज ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला, तो रियली सॉरी फॉर दैट। ओके तो भाई हमें मिल चुके हैं 500 ए कॉइंस। और भाई ये भाई मतलब मज़ा आ गया यार। मैं यार रॉकेट्स मुझे बायर करने थे, तो यार चलो बिना किसी देरी के लेट्स बाय दोस्त रॉकेट्स फॉर आर आर्कनोस। तो चलो भाई हम चलते हैं भाई वेपन सेक्शन में। आर्कनोस मैंने चूज़ कर लिया है और ये देखो भाई ये रहे वो रॉकेट्स जो कि मुझे बाय करने थे। तो चलो यार हम बिना किसी देरी की लेट्स बाय दें। तो ओके भाई हमने रॉकेट मोटर 8 को इक्विप कर लिया है ऑन द वेपन 1, और अब आ रही है इसे वेपन 2 पर भी इक्विप करने की। तो चलो यार वो भी इक्विप कर लेते हैं। और भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने 5 मैक्स हमारी टीम को सेट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा भाई मेरे 5 के 5 सारे मैक्स और कौन कौन से मैं वेपन्स यूज़ करता हूँ, प्लस एक पायलट जो कि मैं एक मैक में यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो यार चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जगर नट से। तो यार देखो भाई जगर नॉट और इसके जो वेपन है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वेपन दिखा देता हूं जो मैं यूज कर रहा हूं। दैट इज, तो ये देखो भाई दिस आर पल्स कैनन 4। तो यार दोनों साइड वेपन 1 एंड वेपन 2 में इन्हीं का यूज कर रहा हूं। और इसकी जो पायलट है दैट इज दिस वन। तो यार इसका जो है रेड इसका नाम है और ये ऑटो कैनन डैमेज काफी ज्यादा देती है। एनीवेज चलो यार ये तो हो गई पायलट की बात, अब बारी है सेकंड वाले पर चलने की। तो दैट इज पैंथर। तो देखो भाई इसकी एचपी है दैट्स 14,400, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। और दोनों वेपन्स में आरपीजी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों वेपन सेक्शन में आरपीजीस यूज़ कर रहा हूँ। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें कोई पायलट नहीं है। अब आ रही है भाई किल शॉट की। तो यार ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, इसके इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ जेवलिन्स। तो यार ये देखो वेपन 1 एंड वेपन 2 जेवलिन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब आ रही है आर्कनोस की। तो यार आप लोगों ने देख ही लिया होगा हमने अभी अभी भाई रॉकेट मोटर 8 को इक्विप किया है। एंड ऑल्सो देयर इज नो पायलट इन दिस व्हाट टू से दी मैक। और अब आ रही है लास्ट वन जो कि यार मैंने 625 ई कॉइंस में ये स्लॉट खरीदा। तो ये है भाई हमारा भाई व्हाट टू से पैरागॉन। तो यार काफ़ी ज़्यादा एकदम खतरनाक टीम बन चुकी है। तो चलो यार इस खतरनाक टीम से एक खतरनाक मैच हो जाए। तो लेट्स हैव अ क्विक मैच। तो ओके दोस्त मैं आपको फिर से बता दूं यार रियली रियली सॉरी फॉर दैट, यार मेरा गला काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है यार, तो मैं काफ़ी देर तक नहीं बोल सकता, इसलिए मैं काफ़ी जगह और आई सोच कि भाई मैं सारी बैटल में बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। तो रियली सॉरी फॉर दैट, लेट्स फाइट। तो एक्चुअली यार मैं जस्ट चेक कर रहा था यार कि रॉकेट लॉन्चर कैसे वर्क करता है। तो यार मुझे एक्चुअली पता चला भाई कि इसकी जो रेंज है दैट इज़ 100 to 150 meters, मतलब ये क्लोज रेंज नहीं है। आप इसमें जेवलिन्स की तरह क्लोज रेंज पर अटैक नहीं कर सकते। तो यार जो अपोनेंट होना चाहिए, जो अपोनेंट के मैक्स होने चाहिए, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा 100 meters एटलीस्ट दूर होने चाहिए, तभी आप इन पर इनकी मदद से अटैक कर सकते हो। और हाँ भाई मैप भी ऑलवेज और आई सोच भाई ऑफकोर्स ओपन होना चाहिए। Thank you.
ओके दोस्त, है कम से नौसम नहीं भाई, डिफीट हुई है यार। तो यार हम हार चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम यार, ये देखो भाई एमवीपी हम ही है। तो चलो अब भाई बारी है सेकंड मैच की, तो लेट्स हैव अ क्विक मैच अगेन।
ग्रेट माई फ्रेंड्स है कम्स एन ऑसम विक्ट्री और MVP हमें है एक बार फिर। तो भाई मतलब जो अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मैं देख पा रहा था यार वो मतलब किस तरीके से भाई मेरे ऊपर आकर अटैक कर रहे थे। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ गेम प्ले माई फ्रेंड्स, मिलते हैं कौन एक्स ऑसम तगड़े गेम प्ले में। तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाइयों के साथ शेयर कीजिए, प्यार को शेयर कीजिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।